बांग्लादेश की औरतें घर में घोड़े क्यों पालती हैं और रात को घोड़ों से क्या काम करवाती हैं, ये वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं अपने क्वार्टर में आंखें बंद करके सोने के लिए लेटा ही था कि अचानक ही मुझे मालकिन के घोड़ा रेनबो की आवाज़ आई और मैं चौंक गया। कुछ देर पहले तो मैं उसके अस्तबल की तरफ से वापस लौटा था, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक ठाक था, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि वो बुरी तरह हिनहिना रहा था। कुछ देर में मैं ऐसी ही अपनी जगह पर लेटा रहा, लेकिन जब मुझे लगा कि रेनबो की आवाज़ कुछ नॉर्मल नहीं है बल्कि हमेशा से कुछ अलग है, जैसे उसे कोई परेशानी हो, तो मुझसे रहा नहीं गया। उसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मैं जानवरों के मामले में बहुत ज़्यादा दिलचस्प था, इसलिए इतनी रात को अपना बिस्तर छोड़कर क्वार्टर से बाहर निकल आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, शायद उसको भी कोई तकलीफ हो रही थी। जैसे ही मैं अस्तबल के पास पहुंचा, तो वहां के मंजर ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, मेरी मालकिन अजीब से कपड़े में अपने घोड़े के साथ जिस तरह खड़ी थी, मुझे बहुत ही शर्म महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में हो और बिस्तर से उठकर यहीं चली आई हो। मेरी मालकिन एक ऊँचे लंबे गोरी चिट्टी और खूबसूरत औरत थी। उसके काले लंबे बाल कमर पर झूल रहे थे और चांद की रोशनी में वो कोई खूबसूरत सी परी लग रही थी, जो उस वक्त शायद अपने आप में नहीं थी। रात को इस वक्त घोड़े के पास और मेरी मालकिन के अंदाज मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। वो घोड़े की कमर पर हाथ फेरते हुए उसे गले लगाए संभालने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें घोड़े के साथ कोई जज्बाती लगाव हो। मालकिन का अंदाज ऐसा था जैसे वे उसे खामोश करवाना चाहती हों, लेकिन आधी रात को मालकिन यहाँ कर क्या रही थी, ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। और फिर जब घोड़ा कुछ खामोश हुआ, तो मालकिन ने उसकी जबान अपने पेट पर लगवाई और पेट चटवाने के बाद उसकी पेट पर हाथ फेरते हुए उसकी टांगों के पास बैठ गई। मालकिन की इस हरकत ने मेरे होश उड़ा दिए थे और मैं वहीं से वापस पलट आया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी नई नवेली बांग्लादेशी मालकिन ऐसी हरकत भी कर सकती है। जो कुछ मैं देख चुका था उसके आगे कुछ भी देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी और फिर अपनी जगह वापस आकर लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में मालकिन का वह हरकत घूम रही थी। जितना कुछ मुझे समझ आया था वह बर्दाश्त से बाहर था। क्या मेरी मालकिन आधी रात को घोड़ों के साथ थोड़ी थोड़ी देर में घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ आ रही थी और मैं सोच रहा था कि मालकिन ने कैसा कपड़ा पहन लिया है। मालकिन तो मालिक की गैर मौजूदगी में अपने घोड़े के साथ ही, यही सोचते सोचते मुझे नींद लग गई थी। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो कुछ देर के लिए रात वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई। मैं जल्दी से तैयार होकर किचन में गया तो मेरी मालकिन नाश्ते की टेबल पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी और मेरी जान निकल गई थी क्योंकि नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। पता नहीं मेरी मालकिन को इतने सवेरे उठने की आदत कैसे थी या फिर रात भर वो सोती भी नहीं थी। मैंने हमेशा उनकी आंखों में रेड रेड देखा था, जैसे वो रात भर की जागी हुई हों। जब से वह शादी होकर इस घर में आई थी, मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे हर वक्त यही फिक्र सताती थी कि कहीं उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए, क्योंकि वो मालिक का दिलोजान से अजीज थी। लेकिन आज उन्हें देखते ही रात वाला मंजर मेरी आंखों के सामने लहरा गया था। मुझे अपनी मालकिन से बहुत ही घिन महसूस हुई थी। वो अपने पति के पीछे ऐसी हरकतें कर रही थी। मैं अपने मालिक का वफादार नौकर था और ये बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। कोई औरत मेरे मालिक को ऐसा धोखा देकर, अगर कोई और औरत होती तो मैं मालिक को रात वाली बातें पहले ही बता देता, लेकिन वह मालिक की पत्नी थी और मेरा मालिक अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए मैं फ़िलहाल शांत था। मेरे मालिक कारोबार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करते रहते थे और पिछले एक हफ्ते से वो किसी दूसरे शहर ही गए हुए थे। घर में मेरी नई नवेली मालकिन और मेरे मालिक की माँ यानी बड़ी मालकिन मौजूद थी। बड़ी मालकिन को सुबह आराम से उठने की आदत थी, इसलिए मैं भी बंगले में सुकून से ही आया करता था। लेकिन जब से नई मालकिन आई थी, मुझे सुबह सवेरे ही उठकर कामों में लगना पड़ता था। मेरी नई मालकिन की आदतें बहुत ही अजीब सी थीं और मेरी समझ से तो बाहर थी।
मैं जब भी बड़ी मालकिन से उनके बारे में बात करता तो बड़ी मालकिन कहती कि वो बांग्लादेशी औरत है और यहाँ हमारे शहर में नई नई आई है, उसको तौर तरीके हमसे अलग हैं। तुम फिक्र ना करो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मालिक के आदेश पर मैं बांग्लादेशी खाना पकाना भी सीख गया था और बांग्लादेशी भाषा भी। मुझे पहले से थोड़ी बहुत भाषा आती थी क्योंकि मेरे मालिक भी अक्सर बांग्लादेश के भाषा में बात किया करते थे। मालिक चाहते थे कि मालकिन को अपने वतन की याद ना सताए और वो हमारे माहौल में रच बस जाएं। इसलिए हमारे घर को बांग्लादेशी माहौल की तरह कर दिया था, लेकिन बांग्लादेश के तौर तरीके बहुत ही अलग होते हैं। मेरे लिए उन्हें समझाना और उन पर फॉलो करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बिहार से था और नौकरी के लिए घर से 8 साल पहले शहर आया था, और शहर आने के बाद मुझे पहले ही नौकरी अपने मालिक के बंगले में मिली थी और मैंने खुशी खुशी ये नौकरी कर ली थी। मेरे मालिक बहुत ही अच्छे इंसान था, उसका बहुत ही बड़ा कारोबार था और मेरा मालिक ज़्यादातर बांग्लादेश में रहता था। यहाँ सिर्फ बड़ी मालकिन थी और मुझे उन्हीं की सेवा के लिए रखा गया था। इतने बड़े बंगले में अकेली बड़ी मालकिन के लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, इसलिए मैं बहुत सुकून से अपनी नौकरी कर रहा था। मालिक को बांग्लादेश में रहते रहते बांग्लादेश बोलने की आदत हो चुकी थी। वो अक्सर यहाँ आने के बाद भी बांग्लादेश की भाषा में बात किया करते थे और उसी वजह से मुझे वहाँ का कुछ भाषा समझ आने लगी थी। इतने सालों में मालिक ने मेरा हर अच्छे बुरे में इतना साथ दिया था कि मैं मालिक का सबसे वफादार नौकर बन चुका था। और जब कुछ महीने पहले मालिक बांग्लादेश से वापस लौटे तो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ खूबसूरत पत्नी भी मौजूद थी। मालिक ने मुझे बताया कि आज से वह मेरी नई मालकिन है, क्योंकि मालिक ने बांग्लादेश में उनसे मोहब्बत की शादी की है और अब उन्हें मुंबई ले आए हैं। ये खबर ना सिर्फ मेरे लिए चौंका देने वाली थी, बल्कि बड़ी मालकिन भी हैरान रह गई थी, क्योंकि उनके इकलौते बेटे ने उन्हें बताए बिना अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। वो दुल्हन को घर ले आए थे। शुरू में तो बड़ी मालकिन ने उस दुल्हन को अपनाने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि बांग्लादेश की औरतें मुंबई की औरतों से बहुत अलग होती हैं और बांग्लादेश की औरत को पत्नी बनाना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं, क्योंकि उनके तौर तरीके और रंग ढंग हमसे बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, बिल्कुल गैर की तरह। और उनके बारे में बड़ी मालकिन कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन जब उन्होंने अपने इकलौते बेटे की मोहब्बत देखी तो वो भी मान गई और फिर धीरे धीरे उसको कबूल कर लिया। लेकिन बड़ी मालकिन ने सही अंदाज़ा लगाया था। नई मालकिन के आने के बाद ना सिर्फ घर का माहौल बदला था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे सब कुछ बदल गया हो। कभी वो फिटकरी का ढेर मंगवाती हैं तो कभी जैतून का तेल, पता नहीं वो सारा वक्त अपने कमरे में क्या कुछ करती रहती। फिर एक दिन जब मालिक काम से घर लौटे तो वो खाने की टेबल पर बैठे मालिक से जिद करने लगी कि उन्हें एक घोड़ा चाहिए, वो घोड़े के बिना नहीं रह सकती हैं। मेरे मालिक ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि उन्हें जानवर से एलर्जी है और घर में किसी भी किस्म का जानवर पालते ही उन्हें एलर्जी का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो घर में घोड़ा नहीं ला सकते। अगर मालकिन को इतना ही शौक़ है तो वो कभी कभी उनके दोस्तों के घोड़ों से दिल बहला सकती हैं। मालिक की बात सुनकर मालकिन रोने लगी और रोते रोते टूटी फूटी शब्दों में कहने लगी कि आपको क्या पता, हम बांग्लादेश की औरतें घोड़ों के बिना गुजारा नहीं कर सकती हैं। वैसे भी आप तो हफ्ता भर घर से बाहर रहते हैं, आपको घोड़े से क्या एलर्जी होगी। मैं उसकी देखभाल खुद करूँगी और ख्याल भी रखूंगी, लेकिन मुझे हर हाल में घोड़ा चाहिए। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी मालकिन को अच्छी खासी हिंदी भी आती है। पहले तो मालिक ने अपनी पत्नी को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी और अपनी बात से ना हटी तो ना चाहते हुए भी मालिक ने उन्हें काले रंग का घोड़ा खरीद कर दिया और कह दिया कि उस घोड़े को वह घर के पिछले हिस्से में ही बांध कर रखें। छोटी मालकिन बहुत ज़्यादा खुश हो गई और घोड़े को देखकर उनके चेहरे पर ऐसी रौनक आई थी जैसे वो घोड़ा नहीं बल्कि बहुत खास चीज़ हो। मुझे भी यही लगा कि शायद मालकिन तन्हाई दूर करने के लिए घोड़े को रखना चाहती हैं, या फिर बांग्लादेश की औरतें घोड़े की आदी होंगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये बांग्लादेश की औरतें घोड़ों के साथ क्या करती हैं। मालकिन को घर आए 15 दिन ही हुए थे कि मालिक को दोबारा बांग्लादेश जाना पड़ा था।
नई मालकिन भी साथ में जाना चाहती थी, लेकिन मालिक का कहना था कि अब तुम यहाँ रहने की आदत डालो ताकि तुम्हें इस माहौल को समझ आए। मालिक की बात सुनकर मालकिन रुक गई और घोड़े के साथ वक्त गुजारने लगी। मालकिन की आदतें बहुत अलग थीं। वो सुबह सवेरे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती और नाश्ते में हर वो चीज़ खाती जिनसे उन्हें ताकत हासिल हो। मैंने जिंदगी में आज तक किसी औरत को इतनी गर्म चीज़ें खाते नहीं देखा था जितनी मेरी मालकिन इस्तेमाल करती थी। वो वक्त पर खाना खाती और खूबसूरती का भी भरपूर ख्याल रखती, जबकि मालिक भी घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन वो हर वक्त खुशबू में रची बसी रहती थी। अपने नए घोड़े रेनबो से भी उन्हें बहुत लगाव हो चुका था और वो हमेशा ही उसके साथ तन्हाई में वक्त गुजारती थी। और जब भी वो घोड़े के साथ होती तो हमें भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती। मालिक को गए एक हफ्ता ही गुजरा था, एक दिन घोड़े की आवाज़ पर मैं कमरे से निकला तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी मालकिन आधी रात को घोड़े के साथ मोहब्बत और लगाव का इजहार करते हुए वो घोड़े की टांगों के पास बैठी थी। मेरी जान निकल गई थी। उसके आगे का मंजर देखे बिना मैं वापस लौट आया था, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था कि ये ना समझ सकता कि मालकिन क्या कर रही हैं। मैंने सोचा था कि मैं मालकिन का पूरा सच अपनी आँखों से देखूंगा और फिर मालिक को इस बारे में बताऊंगा, क्योंकि उससे ज़्यादा चुप रहना मेरी वफादारी के ऊपर थप्पा था। अगली रात घोड़े की हल्की सी आवाज़ आते ही मैं अपने क्वार्टर से निकला, छुपते छुपाते अस्तबल के पास पहुँच गया। आज भी मेरी मालकिन घोड़े के पास ही खड़ी थी और उसके कान में कुछ कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घोड़ा भी मालकिन की बात समझ रहा हो। और फिर घोड़े ने अपनी जवान में मालकिन का मुंह चाटा और मोहब्बत का इजहार करने लगा। मालकिन ने पूरी तरह घोड़े को मोहब्बत और जज्बात में काबू कर लिया तो वो धीरे से उसे सहलाते सहलाते उसके कदमों के पास बैठ गई। ये सब देखकर मेरी सांस सीने में ही अटकने लगी। आगे के मंजर ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। आज की रात मैंने पूरा मंजर अपनी आँखों से देखा था। मुझे समझ नहीं आया था कि मालकिन ने ऐसी हरकत क्यों किया। इसलिए उन्होंने मालिक से घोड़े की जिद की थी। बड़ी मालकिन ने ठीक ही कहा था कि बांग्लादेश की औरतों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो मुंबई की औरतों जैसी नहीं होती। और आज बड़ी मालकिन की बात का मतलब मुझे सही से समझ आया था। मेरी मालकिन ने जो कुछ किया था वैसे मैंने आज तक नहीं देखा था। इसलिए मैं खामोशी से पूरा मंजर देखने के बाद वापस अपने क्वार्टर में आया था और सोच रहा था कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। मालिक को वापस आने में अभी हफ्ता बाकी था और यह एक हफ्ता मैं अपनी नई मालकिन की हरकतों को देखना चाहता था। अगली रात मेरी मालकिन जब आधी रात तक घोड़े के साथ वक्त गुजार कर अपने कमरे में वापस लौटी तो उस वक्त मैं अपने क्वार्टर में वापस जाने के बजाय दबे पांव मालकिन के कमरे तक पहुंच गया और खिड़की से अंदर का मंजर देखा तो मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मालकिन ने तो कमरे में जाकर उससे भी अनोखी हरकत की थी। मेरी नई मालकिन कुछ ऐसा कर रही थी जो सही नहीं था। तभी उसे आधी रात को सहारा लेना पड़ रहा था और अपने घोड़े के साथ उनका रिश्ता मेरे लिए खामोश रहना पॉसिबल नहीं था। मैंने उस घर का नमक खाया था, इसलिए मैं सुबह होते ही सीधा बड़ी मालकिन की सेवा में हाजिर हो गया और उन्हें नई मालकिन के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर बड़ी मालकिन कहने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे ने अपनी मर्जी से शादी की है। अगर मैं उसके खिलाफ अपने बेटे से कुछ भी कहूँगी तो वो कभी भी भरोसा नहीं करेगा। वैसे भी इतने दिनों में मुझे अंदाजा हो गया है कि वो कोई सीधी साधी लड़की नहीं है। उसने तुम्हारे मालिक की दौलत को देखकर उससे शादी की है और वो आज नहीं तो कल तुम्हारे मालिक को छोड़ जाएगी। बड़ी मालकिन की बातों ने मुझे और परेशान कर दिया था। वो नई मालकिन को रोकने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उनका मानना था कि इस तरह वो अपने बेटे से दूर हो जाती, और उनकी बात एक हद तक ठीक भी थी, लेकिन मेरा खामोश रहना ठीक नहीं था। इसलिए मैं हर गुजरते दिन के साथ मालिक की वापसी का इंतज़ार करने लगा। हर रात मैं बहुत ही बेचैनी से मालिक की वापसी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि घोड़े की आवाज़ मेरे कानों में आती और मैं जान जाता कि मालकिन क्या कर रही हैं। पता नहीं मेरी मालकिन कैसी औरत थी, या शायद बांग्लादेश की औरतें ऐसा ही करती हैं। पूरा एक हफ्ता गुजरने के बाद जब मालिक वापस आए तो आते ही मालकिन को गले से लगाया और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगे। मैं जो पीछे खड़ा था ये सोचने लगा कि पता नहीं मुझे मालिक से ये बात कहनी चाहिए या नहीं।
अगर मालिक मेरी बात का यकीन न करते तो मेरी 8 साल पुरानी नौकरी को खतरा हो सकता था, और अगर उनकी पत्नी अपने किए का इकरार नहीं करती तो मेरा क्या होता। मैं किस तरह मालिक के सामने खुद को सही साबित करता, और उनकी पत्नी क्यों इस बात का इकरार करेगी कि उनकी गैर मौजूदगी में आधी रात को घोड़े के साथ क्या कर रही है। जब मेरा मालिक आराम करने के बाद कमरे से बाहर निकला और मुझे अपने पास बुलाकर घर के बारे में बात करने लगे, जैसे ही वो हमेशा करते थे, तब मुझे ये मौका सही लगा कि मैं मालिक को मालकिन की हकीकत बता दूँ। मालिक मुझ पर भरोसा करते या ना करते, मेरा नमक हलाल हो जाता। यही सब सोचा और फिर मैंने मालिक को बता दिया कि रात के अंधेरे में मालकिन किस हालत में घोड़े के पास आया करती थी। मेरी बात सुनकर मालिक बेयकीनी से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है? रीना को घोड़ों से बहुत मोहब्बत है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई ऐसी हरकत करे, और भला ऐसे करके उसे क्या हासिल होगा। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, और हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। मैंने मालिक के आगे सर झुकाया और कहा कि मेरा काम आपसे वफादारी था, बाकी मालकिन क्या करती हैं और क्यों करती हैं ना ही ये जानना मेरा मसला है, और ना ही मुझे इस बात से लगाव। लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरा मुंह बंद रखना आपको नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि जो कुछ मालकिन कर रही हैं उससे आपको नुकसान हो सकता है। मेरी बात सुनकर मालिक शांत हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि मैं आज की रात दूसरे शहर जा रहा हूँ, और एक बार फिर तुम्हें अकेले रहना होगा। मैं अपने मालिक को बहुत अच्छी तरह जानता था, इसलिए उनका बात सुनकर मैं समझ गया कि वो सब कुछ अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। मालिक की बात सुनकर मालकिन थोड़ी देर खामोश रही और फिर कहने लगी कि जल्दी वापस आ जाइएगा। मालिक खामोशी से रात का अंधेरा होने से पहले ही घर से निकल गए और पीछे से घूमकर मेरे क्वार्टर में पहुंच गए। जब मैं रात को अपने कमरे में पहुंचा तो मालिक को देखकर हैरान रह गया। फिर रात को जैसे ही घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ आई तो मालिक कमरे से निकल गए और अस्तबल तक पहुंच गए। उन्होंने खुद अपनी आंखों से मालकिन को घोड़े की टांगों के करीब बैठा देख लिया था। मालिक को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी पत्नी ऐसा भी कुछ कर सकती है। मालिक फौरन मालकिन के पास पहुंच गए। उनको देखकर मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया, और जब मालिक ने गुस्से में मालकिन से सवाल जवाब शुरू किए तो उनकी बोलती बंद हो गई। मालिक का गुस्सा हद से बढ़ा तो मालकिन रोने लगी, और फिर मालकिन एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर मैं और मालिक दोनों ही हैरान रह गए। मालकिन ने रोते हुए बताया कि जब वो शादी करके मालिक के साथ इस घर में आई तो सब कुछ उनके लिए नया था। उन्हें यहाँ के रस्मों रिवाज की कुछ खबर नहीं थी, और ना ही इस देश की आदत। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, और ऐसे में मालिक भी उन्हें छोड़कर कारोबार के सिलसिले में दूसरे देश जाने वाले थे कि तभी उन्हें मालिक की मम्मी यानी बड़ी मालकिन ने अपने कमरे में उन्हें बुला लिया, और बड़ी मालकिन ने रीना मालकिन को बताया कि मालिक के कई लड़कियों के साथ पहले भी रिश्ते रहे हैं, और अब भी मालिक जब भी दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ भी उनके कई लड़कियों से दोस्ती रहती है। अगर वो मालिक को जल्द से जल्द बच्चे की खुशी दे देंगी तो उनके बच्चे मालिक के पैरों की जंजीर बन जाएंगे, और मालिक कभी भी किसी और की तरफ नहीं जाएंगे। ये सुन के रीना मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि वो घर वालों के खिलाफ जाकर मालिक से शादी करके हमारे देश आई थी, और अगर ऐसे में मालिक उनके साथ कोई धोखा करते तो वो बेसहारा हो जाती। यही सोचकर जब वो परेशान हुई तो बड़ी मालकिन ने बताया कि अगर किसी घोड़े के साथ प्यार मोहब्बत से रहेगी और उसकी दुम के बालों को काटकर अपने तकिए के नीचे रखा करेगी तो जल्द ही उनके घर बच्चे हो जाएंगे। रीना मालकिन बड़ी मालकिन की बातों में आ गई, और उन्हें लगा कि इस तरह करने से वो मालिक को काबू में कर लेंगी और मालिक कभी भी उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने बड़ी मालकिन के कहने में आकर ही मालिक के सामने ये झूठी बात कही थी कि बांग्लादेश की औरतें घोड़ों के बिना नहीं रह सकती। मालिक ने अपनी पत्नी की खुशी की खातिर उन्हें घोड़ा खरीद कर दे दिया और खुद दूसरे शहर चले गए, और रीना मालकिन अपनी सास की बातों में आकर घोड़े के साथ ना सिर्फ वक्त गुजारने लगी बल्कि उसकी दुम के बालों को काटकर अपने तकिए के नीचे भी रखने लगी।
जो कि बिल्कुल बेमानी और बेमकसद था। मेरी बड़ी मालकिन ये बात अच्छी तरह जानती थी कि मेरा क्वार्टर अस्तबल के पास ही है और मैं मालिक के मामले में बहुत ज़्यादा वफादार हूँ। मैं जब मालकिन को कोई ऐसी हरकत करते देखूँगा तो मालिक को ज़रूर खबर करूँगा। और बड़ी मालकिन खुद भी मालिक के आगे रीना मालकिन की शिकायत लगाकर उनको घर से हमेशा के लिए निकाल देंगी। बड़ी मालकिन ने रीना मालकिन को सीधी तरह तो इस घर से नहीं निकाला, इसलिए उन्होंने ये अजीब सा खेल खेला था और मैं भी उनका शिकार बन गया। अगर मालिक खुद ही से सच्चाई जानने की कोशिश ना करते तो शायद वो भी मालकिन को इसी तरह समझते जैसे कि मैं समझ बैठा था। सारा सच पूरी तरह खुलकर मालिक के सामने आ गया था और मैं भी शर्मिंदगी से मालिक के आगे सर झुका लिया था। मैंने मालिक से माफ़ी मांगी तो उन्होंने खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि उनका असल कसूरवार मैं नहीं बल्कि उनकी माँ थी। बड़ी मालकिन ने खुद अपने मुँह से इस बात का इकरार कर लिया था कि वह बांग्लादेश की औरत को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती हैं, बल्कि किसी खानदान की लड़की से मालिक की शादी करवाना चाहती हैं। बड़ी मालकिन को इस बात पर पक्का यकीन था कि बांग्लादेश की औरतें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ही सालों में रीना मालकिन ने अपनी मोहब्बत और सेवा से बड़ी मालकिन का दिल जीत लिया था। हर औरत सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की ख्वाहिश रखती है, और अगर उसे किसी रिश्ते से मोहब्बत मिले तो वो बदले में भी मोहब्बत ही देती है। और ये बात रीना मालकिन ने सच साबित कर दी थी कि मोहब्बत का ताल्लुक किसी जवान या बहस से नहीं बल्कि दिल से होता है। कहने को तो मैं एक नौकर था, लेकिन वो मुझसे भी बहुत इज्जत से पेश आती थी, और उनका घोड़ा आज भी हमारे बंगले में मौजूद है और वह पहले से भी ज़्यादा उससे मोहब्बत करती हैं। क्या आप लोगों को भी लगता है कि बांग्लादेश की औरतें या दूसरे देश की औरतें वफादार और सेवा करने वाली नहीं हो सकती? क्या मोहब्बत का रिश्ता किसी देश और जवान से है? आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।